बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंड कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई सात संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे से कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। आज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। मैं अज दी कथा नूं इत्थों ही प्रारंभ करदा। श्री हर गोविंद चंद तब बदन प्रफुल्लत बिलंद रुख लख पित सत गुरु को उठे सो देत आनंद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हर गोविंद नू उठन का इशारा किया। हर गोविंद जी जेडे के चंद्रमा वर्गे सोने ने ते जिन्हां दा चेहरा मानो के कमल दे फुल दी तरह खिड़िया होया उन्होंने अपने पिता गुरु दा वचन मन्या उन्हां दे इशारे नू समझिया ते जिहड़े आनंद देण वाले सन ओ उठ पए। जननी गणत्रियन बीच होती जिस पाल जगी बड भाग रती। हर गोविंद जी दी जिहड़ी माता है भाव के माता गंगा वो बहुतियां सारियां स्त्रियां दे विच बैठी हुई सी जिस पाल जगी बड भाग रती मानो के भागां दी मणि जिहदे मस्तक दे विच है वो बहुतियां सारियां औरतां दे विच बैठी सी। हित बंधन के तिस थान चले और तार आनंद बिलंद पले। अपनी माता नू नमस्कार करन दे वास्ते हर गोविंद जी उस पासे चल पे ने। हिरदे दे विच बहुत वड्डा आनंद है। पद मंद है मंद तरे तरनी बड़ लोचन ते कुट लै बरनी। हौली हौली धीमी गति दे नाल हर गोविंद जी जा रहे ने पोले पोले चरणा नू मानो के धरती ते अगां दी अगां रखदे ने। बड़ लोचन ते कुट लै बरनी कवि जी लिखते ने कि वड्डियां वड्डियां सोभा वालियां अखां ने और इस तों इलावा जिहड़ियां चिमणियां ने वो बहुत ही ज्यादा टेढ़ियां ने। जुत सुंदरता बहु शोभ तरे घर पौर बिखे तब जाए बड़े। समूह सुंदरता दे नाल शोभा नू धारण करके अपने घर दे अंदर प्रवेश किया। गण त्रियन देख वशेख सुखं हर खाए बे लोकत चार मुखं। बहुतियां सारियां औरतां ने जदों हर गोविंद जी नू देखिया ते बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त होया खुशी दे नाल मानो के सोहणे मुखड़े नू देख रही हन। कर जोर नमो सब तारत है गुर नंद गुरु सब चारत है। सारियां औरतां हाथ जोड़ जोड़ के श्री हर गोविंद जी नू नमस्कारा कर रहे हैं। गुर नंद गुरु सो विचरत है मानो के गुरु दा जिहड़ा सपुत्र है उन्हों भी गुरु दी जगह ते जान के नमस्कारा कर दी है।
सुत गंग उमंग संग पिखियो गुर बंसह को अवतंश लहियो। माता गंगा जी ने अपने पुत्र नु देखया है, मन दे विच उमंग पैदा हुई है, गुर बंसह को अवतंश लहियो। मानो के माता गंगा जी ने अपने सपुत्र नु अपने कुल दा गहना समझे। पर बंदत को गह अंक लयो नहीं जाए कयो जो आनंद पायो। श्री हरगोविंद जी ने अपने माता दे चरणा दे उते नमस्कार कीते, फड़के माता ने अपने गल दे नाल ला लिया, कहियो जो आनंद ना पायो। कवि जी कहंदे ने कि कितना आनंद होया वो क्या नहीं जा सकदा। मुख सूंगत तार दुलार कनो किस रंग लही निध ब्रिंद मनो। कवि जी प्रमाण देंदे ने कि माता गंगा जी ने अपने पुत्र दे मस्तक नो चुम्या है, बड़ा लाड कीता है। मानो कि इस तरह खुश ने माता गंगा जी के जिवे बहुते वड्डे कंगाल नो नौ निधियां मिल गया हो। सुत जीवो पुंज बिगन हनो इम आशिक देत सो प्रीत सनो। बड़ी प्रीत दे नाल बड़े प्रेम दे नाल माता गंगा जी ने अपने पुत्र हरगोविंद नू असीस दिती है। कहिंदी है सुत जीवो पुंज बिगन हनो, हे पुत्र तू हमेशा जिउंदा रहे, तेरे जिहड़े वड्डे बिगन ने ना ओ दूर चले जा। निज अंक बिठाए सो नंदन को सब नार पिखियो जग बंधन को। इना कुछ करके माता गंगा जी ने अपने पुत्र हरगोविंद जी नू अपनी गोदी दे विच बिठा लिया। सब नार पिखियो जग बंधन को, सारियां औरतां ने मानो के बंधन योग हरगोविंद जी नू देखे। बहु आशिक देत वधायन को बै दीर्घ संकट होए ना को। बहुतियां सारियां असीसां देंदियां ने, बहुत सारियां जिहड़ियां औरतां ने ओह वधाइयां देंदियां ने ते नाल ही कहिंदियां ने कि वड्डी उम्र वाला होवे कदे भी कोई संकट बालक नूं ना होवे। इस पांत बिताए पले दिन को कर खाण रोपाण सो जामन को। कवि जी लिखदे ने कि इस तरीके दे नाल भले तरीके दे नाल सारा दिन बतीत होया, रात पई ते कर खाण रो पान सो जामण को। रात दे वेले प्रसाद पाणी सारिया ने छके। सुपते सुख साथ सवे तब हूं ताज नींद प्रभात पाई जब हूं। सुख दे नाल रात दे वेले सारे दे सारे सुते ने ते कहंदे ने के फिर अगली जदों प्रभात होई अगली सवेर होई ते सारिया ने नींद नूं छड्या ते जाग पे। दिल्ली को गम न्यो तब देजनाई ले संग महा दुखत चित में चलत पायो जाहे मन पंग। कवि जी लिखते ने जदों ही अगली सवेर हुई ते जड़ा आया सी चंदू दे वलों भेजा हुआ ब्राह्मण ओ नाई नू ना लेके अपने रस्ते ते चल पिया है। पर कवि जी लिखते ने महा दुखत चित में चलत पायो जाहे मन पंग। पंडित बहुत ही ज्यादा दुखी है, चित दा मुरझाया होया है, मानो के टठे हुए मन दे नाल दोवे वापस जा रहे। बेवहार मनो बड काट पायो सम बानक चिंत बिलंद लयो। कवि जी लिखदे ने के मानो जिवें वड्डे विहार दे विच किसे वड्डे बाणीए नू घाटा पै गया होवे इस तरह दा दुखी होके पंडित जा रहे। उतरियो जन बाग लगावन को छित छीन लई पछतावन को। कवि जी होर प्रमाण देंदे ने, कवि जी लिखदे ने कि जां फिर इस तरह समझ लो कि वड्डा बाग लाउण दे वास्ते आया सी पर बाग लाउण दी गल ते दूर दे सी, जिथे बाग लाउणा सी किसे ने ओह धरती ही खोली है, जमीन ही नहीं रही ते बाग किथे लावे। के जहाज पाड़ो जल डूब गयो
ना बचियो कुछ यो दुख ताहे पायो। कवि जी लिखते ने या फिर इस तरह मान लो के साजो समग्री दे नाल भरिया होया जहाज पानी दे विच डुब गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचिया, इस तरह का उसनू दुख लगा। मुर जाए रहो कह संगन को, बिगरी बो बात निरंगन को। बड़ा ज्यादा पंडित मुरझाया और अपने साथी नू ओ जरा नाई है उसनू कहिंदा है बिगरी बो बात निरंगन को, कहिंदा है कि गल बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, रंग तो रहत गल हो गई। शुभ मेल बिखे बड भंग पायो, सम दोयन बीच बिगाड़ कियो। नाई नू पंडित कहिंदा है कि चंगा मेल दोवां दा होना सी पर दोवे पासे तो फिक पै गई है, सम दोयन बीच बिगाड़ कियो, बराबर दे दोवां दे विच बिगाड़ पैदा हो गया। जिम चंद कयो तिम श्रोण सुनियो, रिसते नहीं लेह कुआक पनियो। कहिंदा है नाई नू पंडित के चंदू ने जो माड़े शब्द आके उन्हां नू सतगुरां ने सुन लिया, सतगुरां नू उन्हां गल्लां दा पता लग गया, रिश्ते नहीं ले इस करके गुस्सा मनाया ते रिश्ते तो ना कर दिती क्योंकि कुआक बने भैड़े जिहड़े बचन सी ना वो चंदू ने आखे सन। इम सोचत बोलत शोक तरे, पुन चंद जहां तह प्यान करे। इस तरह सोच के एक दूजे दे नाल मिल के बोल के शोक नू धारण करदे ने ते आखिरकार चंदू दे वल जा रहे ने। जब श्री गुर बैठ दीवान कियो, तब आए नारायण दास गयो। जदों सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने दीवान सजाया उस वेले ओ जो नारायण दास है जिन्हें के अपनी पुत्री का रिश्ता हरगोविंद जी नूं कीता है ओ उत्थे पहुंच गए। कर जोर कही बिनती गुर को, प्रभ मोर मनोरथ यो युर को। नारायण दास ने हाथ जोड़ के सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती, कहन लगा हे प्रभु जी मेरे मन दा मनोरथ इस तरह है। देज दैवग लेहो बुलाए इहां, दिन ब्याह विचारत बैठ महा। कहिंदा सच्चे पातशाह मंगणी ते हो गई है, सगाई ते हो गई है, पर सच्चे पातशाह मेरा जी करदा है कि पंडित जोतशी नूं इत्थे बुलाया जावे और जिहड़ा विआह दा दिन है ना उस नूं भी बैठ के नियत कर लिया जावे। बिन दोषण दियोस बताए जबे, हर गोविंद ब्याह उमा है तबे। कहिंदा है कि जदों बगैर दोषां तो दिन कढेगा जोतशी ते फिर उस दिन हर गोविंद दे नाल मेरी पुत्री दा विआह होवेगा। लेहो आप प्रभु नहीं देर करो, गण जे वस्त मंगवाए तरो। सच्चे पातशाह हुण तुसीं देरी ना लाओ, बहुतियां सारियां जिहड़ियां चीजां ने ना उहनां नूं मंगवाउणा शुरू करी। उत मैं सुन के कर जाए अबे, इकटी गण सौज कराए सबे। नारायण दास कहिंदा है कि जदों दिन नियत हो जावेगा ते फिर उस तों बाद आपो अपने घरां दे विच असीं विआह दीआं साजो समग्रियां इकट्ठियां करांगे। सुन पास नारायण दास है ते, सिख संगत मोद प्रकाश हिते। नारायण दास दी बेनती नूं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सुनिया। तब श्री गुर बिपर बुलाए लियो, निज पास बिठाए सो मान कियो। सतगुरां ने नारायण दास दी बेनती नूं प्रवान करके ज्योतिषी पंडित नूं अपने कोल सन्मान दे नाल बिठाया। पारे अच्छत थार तरियो तन को, कह सो दो ब्याहन के दिन को। चौलां दा थाल भर के उस पंडित ज्योतिषी दे अगे रख दिता गया ते सतगुरां ने वचन कीता, कहिंदे ने सो दो ब्याहन के दिन को, हे पंडित जी विआह दा जिहड़ा दिन है ना उहनूं सोध के दसो। इम चाह नारायण दास तर,
सुद दियोस बतावो जान पर। गुरु जी कहते ने कि नारायण दास ये चाहता है कि पता लग जावे कि केड़ा दिन शुभ विआह दे वास्ते निकलता है। बिन दोष बन अस नीक आया है, दोह पासन तेरा सरीत रहे। गुरु जी कहते ने कि बगैर दोष तो जिहड़ा दिन है वो चंगा निकलेगा, दोवां पासियां दे नाल इस तरीके दे नाल रस रवेगा, पता लग जावे कि चंगा दिन विआह दे वास्ते किहड़ा निकलदा। सुन विपर लयो पतरा कर में, दिन देख विचार तपायुर में। उसे वेले एक जिहड़ी तिथ पत्रिका है वो अपने हाथ दे विच पंडित ने फड़ी है, उस नूं फोलिया है ते देखिया है, चंगे तरीके दे नाल विचारिया है। ग्रह है वार निछत्र रासन को, दिन जान सो व्याह प्रकाशन को। ग्रहवां नूं वारां नूं नछत्रां नूं रासां नूं सारियां नूं चंगे तरीके दे नाल देखिया है, तां कि चंगा जिहड़ा शुभ मुहूर्त दा दिन है ना उह निकल सके। गौर संग पाण्यो जोग मास बिते, होए माग सुदी दसमी सो हिते। सारा कुछ पड़चोलन तो बाद फिर उस पंडित ने आख्या कि सच्चे पातशाह दो महीनों तो बाद माघ सुदी दसवीं का दिन जड़ा है ना वो चंगा विआह दे वास्ते निकलता है। सुद दियोस यह तब ब्याह करो, रुत सुंदर है निश्चय सो तरो। कहिंदा है कि चंगा दिन है विआह दे वास्ते ये निकलिया है, उस वेले रुत भी बड़ी सुंदर होवेगी, निश्चय नूं तारण करो, दो महीनों तो बाद माघ सुदी दसवीं नूं विआह करो। इमसाह सुदवाए कर, सुनियो नारायण दास। कर निश्चय हर खत पयो, खरे करी अरदास। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरीके दे नाल साहे नूं सुधवाया गया है, नारायण दास नूं पता लग गया है, कर निश्चय हरखत पयो, निश्चय नूं करके खुशी धारण कीती है, ते फिर सतगुरां दे चरणां दे विच अरदास कीती, बेनती कीती। कहिंदा देव आयस जाऊं आवास आवै, गन सौजन त्यार कराऊं सबै। नारायण दास हथ जोड़ के सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती करदा है कि सच्चे पातशाह हुण तुसीं मैनूं अपने घर जाण दी आग्या दिओ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤਤਕਾਲ ਗਇਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤ ਪਇਓ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੁਟੰਬਹਿ ਸੰਗ ਕਹਿਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਮਨ ਮੋਦ ਲਹਿਓ। सारा जरा बिरतान से वो जाके अपने परिवार नूं दस्या है कि मैं सतगुरां दे सपुत्र दे नाल अपनी लड़की दा रिश्ता जोड़ आया। जदों सारे परिवार ने सुनिया ते सारयां नूं बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। निज पाग बिसालह तन लख, कर श्री गुर आए सरूप पिख। सारयां ने परिवार वालिया ने अपने भागां नूं वड्डा करके जाणिया, सोचदे ने कि असीं ते धनता दे योग हो गए, क्योंकि जदों विआह होवेगा ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह साडे घर आउणगे, अपने चरण पाउणगे, असीं उहनां दा दर्शन करांगे। सब संग्रह सौज करंत पाए, हित ब्याह उछाह आनंद लए। इस तों बाद सारियां विआह दीआं जिहड़ियां चीज़ां सन उहनां नूं इकट्ठा करना शुरू कर दिता बड़ी खुशी दे नाल। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਮੰਗਾਏ ਉਮੰਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਪੁੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੌਜ ਮੰਗਾਵਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਵਿਆਹ ਆਵਾਸ ਰਖਾਵਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी मंगाउंदे ने ते घर दे विच रखदे जांदे ने। बहु गामण ते कृत लेत पए तन पास मसंदन के सोदय। बहुतिया सारे पिंडा तो बहुता सारा जड़ा घिओ सी उस नूं खरीदा गया, सारा धन मसंदा तो दवाया। पश्यंबर केत कमोल लिए गन मेव बहु सूखम अंबर बृंद किए। पश्मीने दे जिहड़े कपड़े सन बहुते मुल दे उन्हां नूं खरीदिया गया, और इस तों इलावा सूखम अंबर बृंद किए बहुत बरीक कपड़े भी खरीदे गए। पुर पूरन में तन भेज दियो मिष्टान महान मंगाए लियो। बहुतिया सारिया पिंडा दे विच बहुता सारा धन दे के मसंदा नूं कल्या गया ते मिठा पदार्थ बहुत ज्यादा मंगाया गया। बड बासन ले कर पूर तरे गन मेवन की सो खरीद करे। वड्डे वड्डे जिहड़े भांडे सन उन्हां नूं भर दिता गया है, बहुते सारे गिरी मेवे खरीदे गए। सिख संगत और मसंदन को पुर पैंच अनेक बिलंदन को। सिख संगतां दे वास्ते इस तों इलावा मसंदां दे वास्ते और इस तों इलावा पिंड दे आगू आदमियां दे वास्ते। जिन देन बने हित मान कने सो खरीद करे ते नकौण गिने। मानो के सिखां नूं संगत नूं मसंदां नूं ते पुर दे पंचां आदिक नूं जो कपड़े देने सन मान दे वास्ते उन्हां दी भी खरीद कीती गई है। कवि जी कहिंदे ने तिन कौण गिने, उन्हां दी गिनती मैं की करां। साहा जान समीप को सब त्यारी कर लीन अन्न अधिक संचय करो जह कह तन गन दीन। भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने के साहे दे दिन नूं ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਾ ਕੇ। ਹਰਿਦੈ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤਾਰ ਉਮੰਗ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਆਹ ਲਖ ਚੋ ਪਚਿਤ ਕਰਤ ਅਦਕ ਗਣ ਰੰਗ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ अपने हिरदे दे विच उमंग नूं धारण करके रख्या है, बहुत ज्यादा आनंदित ने क्योंकि पुत्र दा पहला जिहड़ा विआह है ना वो हो रहा है, मन दे विच बड़ा चाह। जाय नारायण दास कर यथा शक्त को तार सर्व वस्त संचय करी है जो अनेक प्रकार। दूसरे पासे कवि जी लिखदे ने के घर जाके नारायण दास ने भी अपनी वित्त दे मुताबक सारियां चीजां नूं एकत्र कीता जो कि विआह दे विच लोड़ीदियां सन। हित दाज जिके देन को करन समूह आहार अन्न बसन भूखण भले कीनस सगरे त्यार। क्योंकि जिस तरह की उस वेले मर्यादा सी रीति सी उस नूं नारायण दास ने पूरा कीता है। दाज देन दे वास्ते जिहड़ियां चीजां ने ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਜ ਨਾਈ ਛੂ ਛੇ ਹਟੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸੁਣੋ ਬਿਰ ਤੰਤ महा दुखत गमनत पाए हृदय अदक पशु तंत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने हुण एक पासे ते विआह दीआं तैयारियां हो रहीआं ने नारायण दास दे घर दे विच ते सतगुरां दे घर दे विच, पर कवि जी लिखदे ने कि दूसरे पासे दे बिरतांत नूं सुणो कि नाई ते पंडित जिहड़ा खाली मुड़ के गए ने बहुत ज्यादा दुखी ने, बड़े गमगीन ने, बहुत ज्यादा पछता रहे ने। सने सने दिल्ली पुर गए मग मैं किन्हू लूट जन लए। हौली हौली दिल्ली दे वल जा रहे ने,
इस तरह जा रहे ने मानो कि जिवें रस्ते दे विच किसी ने उन्हां नूं लुट खो लिया हो। घर खतरी के पहुंचे जाए जहां मुड़ बैठो घर बाए। आखिरकार चंदू खतरी दे घर दे विच पहुंच गए ने जिथे अपने घर दे विच मानो के वड्डा मूर्ख हंकार नूं धारण करके चंदू बैठा सी। गिलम गलीचे फर्श बेसाला बैठक में बैठो खुशहाला। बहुत सोहने नरम जड़े विछौने ने जिन्हां नूं आपां कलीन भी कह दिंदे आ ओह थले विछे होए ने और बैठक में बैठो खुशहाला अपनी बैठक दे विच बड़ा खुशहाल दे विच चंदू बैठा। बाड़े उपतान तारियो जेह पाछे सगरे सेत वस्त्र तन काछे। एक बहुत वड्डा जरा सराणा है उसने अपने लक दे पिछे रखिया होया सी ते सारे दे सारे कपड़े उसने मानो के चिट्टे रंग दे पाए सन। बैठे लिखन हार टिग ब्रिंद कितक खुशामद करत बिलंद। बहुत सारे खुशामद करन वाले जिहड़े आदमी ने ओदे आसे पासे बैठे सन। इस तों इलावा लिखण वाले उस दीआं गल्लां नूं ओह वी बहुत सारे बैठे सन। कारज अर्थी मानव की जोरत हाथन जाचत से। कई जिहड़े कम्मां कारां वाले ने ओहदे अगे बेनतियां कर रहे सन। बहुत सारे जिहड़े मनुख ने हथ जोड़ जोड़ के अपनियां बेनतियां चंदू दे अगे कर रहे सन। बड़ी कचहरी मैं सो बैसा उत्तर देत जोग जिस जैसा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने मानो एक वड्डी कचहरी नूं ला के चंदू बैठा सी जो जो भी कोई कहिंदा सी यथा योग ओहदा उत्तर देंदा सी। विपरे अशीर बाद कह जीवो चिरंकाल जस जोत जग थीवो। पंडित चंदू दे लागे पहुंचे है आन के आशीर्वाद दिता है कि जिउंदा रह चिरंकाल जोग जत थीवो। मानो क्या है कि जिउंदे रहो चिरंकाल तक बहुते लंबे समय तक तुहाडा जिहड़ा जस है ना इसे तरीके दे नाल दुनिया दे उत्ते पसरिया रहे। मुख मुर जायो बहुत दिज केरा चंदू तवे बिलोचन हेरा। पंडित ने आन के आशीर्वाद दिता है पर उस वेले चंदू ने देखा है कि पंडित का जरा मुखड़ा है ना वो बड़ा मुरझाया है। पाए लागे है पांदा कहो बाती तुझे देखत तरकत मुझ छाती। अगो चंदू ने आख्या है कि हे पांदा जी हे पंडित जी मैं तुहाडे चरणा दे उते नमस्कार करदा हाँ पर कहिंदा है कि दसो गल तुझे देखत धरकत मुझ छाती। तुहाडे चेहरे नूं देख के मेरी जिहड़ी छाती है ना बड़ी जोर दे नाल धड़की है की गल है तुहाडा चेहरा क्यों उतरे। हरकत बाम अंग तन मेरे नहीं शगन कुछ आचे हेरे। चंदू कहिंदा है कि मेरे जिहड़े खब्बे अंग ने ओह काली दे नाल फरकन लगे ने। कहिंदा है कि मैनूं लगदा है कोई शगन वाली खुशी वाली गल नहीं। बदन सचिंत देख कर तो ही अत संसय होवत और मोही। तेरे चेहरे चिंता वाले नूं देख के चंदू कहिंदा है कि मैनूं बहुत ही ज्यादा संसय पैदा हुंदा है दस की गल। पंथ चलत वस्तु चुरवाई किदों अपर कारज बिगराई। चंदू ने सवाल किया पंडित नूं कहिंदा है कि रस्ते दे विच चलदिआं किसे चोर डाकू ने तुहाडियां चीजां नूं खोह लिया है जां कि किसे चोर ने चोरी कर लिया है जां फिर कोई होर कारज विगड़ गया। मुद जुत मिल बो चाहिए है तेरा पठियो हो तो शादी हित मेरा। चंदू कहिंदा है कि पंडित जी तुहानूं ते बड़ी खुशी दे नाल उत्थों मुड़ना चाहीदा सी क्योंकि तुहानूं विआह दे कम दे वास्ते कल्या गया सी। जिस मैं तुझ को लाभ विसाला अस कारज मैं तू इस काला। जिहड़े विआह दे कम दे वास्ते कल्या सी जिहड़ा कि मेरा भी कम सी पर इस तों इलावा तेरा भी उस दे विच वड्डा लाभ होना सी अस कारज मैं तू इस काला।
ऐसे कार्य दे वास्ते कल्या ते तू इस तरीके दे नाल क्यों परते। समय हरख के मुख मोर जायो, देखत मोको याच राज आयो। चंदू कहिंदा है कि समा ते खुशियां दा है, पर दूसरे पासे तेरा चेहरा ते उतरिया होया मैनू वेख के बहुत ज्यादा हैरानी हो रही। शुभ कारज को बनियो के नाही, कहो पांदा सब बेद मुझ पाही। चंदू कहिंदा है कि हे पंडित जी दसो, चंगा कारज जेड़ा तुहानू आके भेजा सी, दसो कि वह कारज सुख दे नाल नेपरे चढ़ गया है या के नहीं चढ़िया। कहो पांदा सब बिद मुझ पाही, हे पांदा जी, हे पंडा जी, सारा कुछ मैनू दसो। सुन चंदू ते बिपर उचारा, सुनो एकांत होए कर सारा। जदों चंदू ने इस तरह के सवाल किते ते फिर पंडित बोलिया है, कहिंदा हे चंदू जी, तुसी जरा अलग होके मेरी गल नू एकांत दे विच सुनो। संसय ज्योति उठ कर तत्काला, बैठो सब ते हुए निराला। जदों पंडित ने आख्या के जरा अलग होके मेरी गल नू सुनो, उस वेले बड़े संसय दे विच होया है चंदू ते फिर निराला होके वखरा होके पंडित दे कोल बह गया। देजने टिग होए सकल सुनायो, हे जजमान सो होए प्रभ पायो। पंडित चंदू दे लागे बैठ गया है ते लागे होके पंडित ने कहना शुरू किया, कहिंदा हे जजमान, हे मेरे मालिक, हुंदा ते ओ है जो प्रभु नू चंगा लगदा। हम नाता जब ले कर गए, शुभ दिन तवे सुधावत पाए। मुड़ तो लैके गल दसनी पंडित ने शुरू की, कहिंदा कि जदों असीं शगन लैके गए चंगा दिन विचारिया गया और सारा कुछ तैयार किया गया। कहिंदा सकल समाज मिलियो तत्काला, लोक हजारों आनंद विशाला। कहिंदा कि सारा साजो समान इकट्ठा किया गया, बहुत सारे लोग एक जगह दे उत्ते एकत्र होए, सारिया दे मन दे विच बहुत ही ज्यादा खुशी सी। बालक चौंकी आन बिठायो, गावन बादत सकल रचायो। वरनू बालक नू चौंकी दे उत्ते लिया के बिठा दिता गया सी, इस तो अलावा बहुते सारे खुशियां दे वाजे वजाए गए। कहिंदा हमें बुलायो गमने तीर, जह गुरु अपर नरण की पीर। पंडित कहिंदा है कि इस तो बाद सच्चे पातशाह जी ने सानू अपनी सभा दे विच बुलाया, असी उन्हां दे लागे पहुंचे जिथे बहुत ज्यादा लोकां दी भीड़ जुड़ी सी। नौ ग्रह गणपत हो तो मनायो, तिलक करन को जब उदतायो। कहिंदा है कि नौवां ग्रहां नू सोधिया गया, गणपति दी गणेश दी पूजा करके उस नू मनाया गया। कहिंदा है कि इस तो बाद मैं तिलक करन ही वाला सी। दिल्ली ते तब पठी ही पाती, चलत हमो तुम कहो जो बाती। पर कहिंदा इन्ने चिर नू दिल्ली तो एक चिट्ठी पहुंच गई, चलत हमें तुम कही जो बाती। तेरे कोल आण के जड़ियां सी गल्लां कीतियां सन, उन्हां गल्लां दा ही चिट्ठी दे विच बयान कीता गया सी। मोरी यार दृष्टांत चुवारा, निज बणता के हेत उचारा। पंडित कहिंदा है कि हे चंदू जी, जिहड़ी गल तुसी मेरे कोल कीती सी कि मोरी दा ते चुवारे दा प्रमाण दिता सी, कहिंदा कि अपनी वड़ियाई नू ओहदे विच तुसी जाहर कीता सी। कहिंदा कि हे सुन के लिख भेजियो सारो, सो पठ के लख तो अहंकारो। कहिंदा उही सारियां गल्लां जिहड़ियां तू मैनू आखियां सन, उही सारियां गल्लां चिट्ठी दे विच लिख के दिल्ली दी संगत ने उन्हां कोल भेज दित्तियां। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਹੰਕਾਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰੀ ਨ ਬਾਤ ਨ ਲਖੀ ਬੜਾਈ, ਤੋਰਨ ਹਮਸੋ ਗਿਰਾ ਲਾਈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ, ਨਾ ਲਖੀ ਵਡਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
तोरन हमसो गिरा लाई। उसे वेले पंडित कहिंदा है कि सतगुरु ने मैनू इंज आख्या, रह चुबारो सो दुख पावे, मारे टक्कर भाल पनावे। कहिंदा है कि सतगुरु ने मैनू आख्या कि चंदू ने अपने आप नू चुबारा आख्या है, और कहिंदे ने कि चुबारा बनिया रवे, दुख पावेगा, मारेगा टक्कर ते अपना मथा बना लेगा। केत कसक कहे ओ बखे आता, नहीं ले हो इस किराण को नाता। कहिंदा कि इस तो अलावा एक सिख ने प्रगट रूप दे विच सारयां दे विच आख्या कि चंदू दा रिश्ता नहीं लेना। प्रथम भयो तै बोल बिगाड़, सही ना तेनो सुदीन उगाड़। कहिंदा कि जो बोल बिगाड़ तू पहला आखे सन, कहिंदे कि उन्हां दे कोल पहुंच गए, इस करके उस गल नूं सहारिया ने ते सारा तेरा पाज जिहड़ा सी ना उह प्रगट हो गया। क्या कहिए बड़ काज बिगाड़ा, नहीं सवरियो मैं बहुत उचारा। पंडित कहिंदा पर मैं उत्थे की कर सकदा सी, सारे दा सारा काम बिगड़ गया, कोई भी चंगा सौरिया ने मैं बहुत ही वारी उन्हां दे चरणां दे विच बेनती कीती। कहत पए जो सम है मोरी, सम मोरी के मिल है सो मोरी। कहिंदा कि मैं बड़ा समझाउण दा यतन कीता कि रिश्ते नूं ना ठुकराओ, पर कहिंदा उन्होंने मैनूं जवाब दिता, जिहड़ा मानो के मोरी दे समान होवेगा उही आण के मैनूं मिलेगा। कहिंदे ने कि सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि चुबारे दा ते मोरी दा दरअसल मेल नहीं हुंदा। चंदू ने ठीक ही गल आखी है, इस करके जिहड़ा चंदू चुबारा है वह चुबारे दा नाल मिले, ते असी जे मोरी वर्गे आ ते सानू फिर मोरी ही कोई मिल जाएगी। इम सुन बहुत थान की संगत, बैठी ब्रेंद बिलोक उमंगत। कहिंदा है कि ये गल्लां सारी संगत ने सुनिया, जड़ी संगत मानो के जगह जगह तो एकत्र हुई सी। कहिंदा तिन में तेक उठ कर खतरी, हाथ जोर कह गिरा विचित्री। कहिंदा कि इन्ने चिर नूं संगत दे विचों एक खतरी उठ के खड़ा हो गया, ते कहिंदा कि उसने हाथ जोड़ के उसे वेले बेनती की, सपत बरख की दोहता मेरी, लेहो नाता गुर करो ना देरी। पंडित कहिंदा कि उस खतरी ने सतगुरु के चरणों के उसे वेले बेनती कर दी कि सत वरिया की मेरी लड़की है, उसके रिश्ते नूं तुसें सच्चे पातशाह प्रवान कर लो, देरी ना लाओ। बालक तिलक करो तत्काल, तिम ही उत्सव रहो बिसाला। कहिंदा कि उसे वेले बालक दे मथे दे उते रिश्ता लैके उन्होंने तिलक कर दिता, तिम ही उत्सव रहो बिसाला, ते जिहड़ा खुशियां दा माहौल सी ना उसे तरीके दे नाल ही बरकरार रहा। खतरी और उठियो इक पाछे, संग गोत निज कह कर आछे। कहिंदा कि इन्ने चिर नूं एक खतरी होर संगत दे विचों उठ के खड़ा हो गया, जिन्ने अपना गोत जाति दसी। तब ही दूजी करी सगाई, देखत दुगनी बजी बधाई। ते कहिंदा इसे तरीके दे नाल दूसरी सगाई भी उन्होंने प्रवान कर ली, मानो कि एक दे नालों दुगनी जिहड़ी वधाई सी ना उस वेले मिलाई गई। इस तरीके दे नाल उस वेले वापरिया। वो कहिंदा नाता तो है सुता को फेरा, चलियो यो पाए नहीं कुछ मेरा। हार के पंडित कहिंदा है, कहिंदा है कि नाता तेरी पुत्री दा सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने मोड़ दिता। कहिंदा मैं बड़े यत्न कीते, पर किसी भी तरीके दे नाल मेरा जिहड़ा उपा सी ना वो किते भी रता भी चल ना सकिया। इस तरीके दे नाल ब्राह्मण ते नाई खाली मुड़े। खाली चंदू दे आदमी मुड़ गए, जाके उसनू गल सुनाए दिती। कहिंदे सुनो दीवान जी जिवें बीती, कर्म गति ने खेड विच लाए दिती। जिहड़ी बात इथे तुसां कही सानू, किसे लिख के सारी पहुंचाए दिती। साडे नाल इथों पाती पहुंच गई, जिस बणी बणाई गवाए दिती।
लगा शगन लगन जिस समय है सी पाती सिख ने जाए फड़ाए दिती वाची गई पाती लिखी साध संगत पढ़ विच दीवान दोहराए दिती लिखिया दिल्ली दी संगत गुरु वले लिखिया दिल्ली दी संगत गुरु वले लैना साखना पक्की कराए दिती तुहानू चंदू ने मोरी बनाया ए बनिया आप चुबारा जताए दिती मन मुख दा रिश्ता नहीं लैना मन मुख दा रिश्ता नहीं लैना अड़ दिल्ली दे सिखाने पाए दिती गुरु उस वेले शगन मोड़ दिता यूं आख के आस चुकाए दिती मिले नाल चुबारा चुबारे जाके मोरी मोरी नाल मिलू लखाए दिती ओथे बैठिया ही साक दो हो गए विच खुशी दे खुशी वधाए दिती मूलो कुछ परवाना गुरु कीती मूलो कुछ परवाना गुरु कीती उची संगत आख वड़े आए दिती हुण जो मर्जी करो करतार सिंगा बीती जिवे तिवे खबर आए दिती पंडित कहिंदा है कि इस तरह उथे वापरिया हुण तुहाडी जिवे मर्जी है उसे तरह करो जो उथे बीतिया सी ना वो सारी खबर मैं तुहानू चंदू जी आण के दे दिती सोने अनख्यो चंदू मतहीन तपत रिदा तूषण दुख पीन ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि पंडित दियां गल्लां नूं सुन के मानो के बहुत ही ज्यादा औखा होया ओ चंदू तपत रिदा तूषण दुख पीन जिहदा हिरदा बहुत ही ज्यादा तपिया जिहड़ा पहला बैठा होया सी चुप करके ओ हुण बहुत ही ज्यादा औखा हो गया बाण समान बैण दे जे केरे लगे रिदे पाए दुख वडेरे मानो के जड़ियां पंडित ने गल्लां आखियां सन ओ गल्लां एक तिखे तीरां दे वांग चुभियां ने लगे रिदे दुख पाए वडेरे मानो के तीरां दे वांग गल्लां ओदे सीने दे विच चुभ गईयां जिन्हां दा बहुत वड्डा दुख लगा चंदू नूं कहत पायो पांदा सुन ले हो ज्यों क्यों साक तिसी थल दियो पंडित नूं कहिंदा है कि हे पांदा जी सुन लो मेरी गल नूं ध्यान दे नाल जिवें ना किवें इह जिहड़ा रिश्ता है ना उत्थे ही होना चाहीदा कहिंदा ऐसी बात विदत होए नहीं जाए हटियो साक लागे मुड़ आए कहिंदा पंडित जी दुनिया दे विच ये गल प्रगट नहीं होनी चाहिए कि चंदू दी लड़की दा जिहड़ा रिश्ता है ना उसनू उन्होंने मोड़ दिता है हटियो साक लागे मुड़ आए किते दुनिया दे विच ये प्रगट रूप दे विच गल ना फैल जावे कि रिश्ता मुड़ गया ते लागी चंदू दे मुड़ के आ गए या ते तूरन अब चल जावो मैं पत्री लिख दियो सिधावो इस करके चंदू पंडित नु कहिंदा है कि जिवे ना किवे ये जिहड़ा रिश्ता है ना उथे ही होना चाहिदा है जे उथे रिश्ता ना होया ते दुनिया दे विच बहुत वड्डी बदनामी होवेगी लोकी निंदिया करनगे कि पता नहीं चंदू दी लड़की दे विच की खामी सी कि उन्हां दा रिश्ता गुरु ने प्रवान नहीं कीता इस करके चंदू कहिंदा है कि छेती तो छेती फौरन तू वापस उन्हां दे कोल जा मैं अपने वल्लों तैनू एक चिट्ठी लिख के देना मोह दीवान शाह को जानो पली बात ना तो अब मानो कहिंदा है कि मैं चिट्ठी दे विच लिखांगा कि मैं बादशाह दा बहुत वड्डा वजीर हां इस करके ये चंगी गल नहीं है कि मेरी लड़की दे रिश्ते नूं तुसी मोड़ दिता है इम डराए कर दी जो पाती जिस ते तरक उठे तिस छाती चंदू कहिंदा है कि इस तरह कह के ओनू डरा के ये जिहड़ी मेरी लिखी हुई चिट्ठी है ना ओनू फड़ा देवे ता कि ओदी छाती जिहड़ी है ना ओ डर दे नाल काली दे नाल तड़क उठे मृदल कठोर कहो बिद दोई अब ना तो यह लेह ना
कोई। पंडित नूं चंदू समझाउंदा है कि भावे कठोर लफ्ज कहने पैण तां वी आखी, जे कोमलता दे नाल मन जाण ते ओह वी बचन कोमलता वाले वी आखी। अब नाता हिले है ना कोई, पंडित इस गल नूं याद कर ला कि जे उत्थे रिश्ता ना होया ते मेरी लड़की दा फिर रिश्ता किते वी नहीं होणा। याते तुम टेग पोनो पठावा, इस प्रकार दिज को समझावा। पंडित नूं चंदू कहिंदा है कि जाके आखी कि जे तुसी ना रिश्ता लोगे ते कोई भी रिश्ता नहीं लवेगा। या ते तुम टेक पुण्यो पठावा, इस करके पंडित तू आखी कि मैं तुहाडे कोल दोबारा आया हां। इस तरीके दे नाल चंदू ने समझाया पंडित नूं। पाती लिखण लग्यो पुण चंदू, लिख तुम शाह दीवान बुलंदू। इस तों बाद अपनी जिहड़ी चिट्ठी है ना चंदू ने लिखनी शुरू कीती है। लिखदा है चिट्ठी दे विच, लिख तुम शाह दीवान बुलंदू, मैं बादशाह दा वड्डा वजीर लिखदा। श्री अर्जन रिस कैसे करी, सहज सवायक मैं जो चरी। चिट्ठी दे विच लिखदा है कि हे अर्जन जी, तुसी क्यों मेरी आखी हुई गल दा गुस्सा कीता, मैं ते सहज सवायक ये गल कह दित्ती सी। किनू अदक वदाय सुनाई, जात गोत उत्तम लगोताई। कहिंदा कि जिन्नी गल तुहाडे तक पहुंची है उन्नी गल मैं नहीं आखी, किसी ने वधा चढ़ा के तुहाडे कोल गल लिख के भेज दित्ती है। कहिंदा क्या हो गयो जो मैं कह देन, यथा योग लेहो मन मैं चीन। इस तों अगे चिट्ठी दे विच लिखदा कि फिर की होया जे ये सच्ची गल मैं कह दित्ती, क्योंकि अयोग गल नहीं लिखी, जिस तरह मैं देखिया उसे तरह आखिया। कहां पायो जो अपर सगाई, तानी पुरख के बहु होए जाई। चिट्ठी दे विच चंदू लिखदा है कि जेकर तुसी इस गल तो इनकार करो कि सगाइयां ते पहला हो गईयां ने, इस करके तेरी लड़की दा रिश्ता किवें लवां, ते कहिंदा उसदा भी मेरे कोल पुत्तर है कि बहुते सारे वड्डे आदमियां दे बहुतियां सारियां सगाइयां हो जांदियां ने, धनी पुरख ते इस तरह दे कर ही लैंदे ने। कहिंदा जे हमरो संबंध तुम्हारे, कार्य दियो अनेक सुधारे। कहिंदा कि जेकर तुहाडा मेरे नाल संबंध जुड़ गया ते तुहाडे बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े कम ने ना उह मैं सुधार लांगा। इस तरीके दे नाल उस वेले चंदू ने लिखिया अपनी चिट्ठी दे विच सतगुरां दी बाबत। सुन दे सार चंदू पेचो ताब खादे, चिट्ठी लिखदा गल वधाओ कानू। गुरु नानक दी गद्दी तुसी बैठे, थोड़ी गल ते क्रोध चढ़ाओ कानू। किसे एवें वधाए के लिख दित्ती, किसे एवें वधाए के लिख दित्ती। बिना कन्नी सुने चित लाओ कानू, मेरी पुत्री दा साक मोड़े एवें। बिना कारण वैर उठाओ कानू, तुहानू पता दीवान मैं बादशाह दा। वैरी मुफ्त दे विच बनाओ कानू, मेरे साक बनके तुसी बनो उच्चे। बदो बदी नीवे पासे जाओ कानू, मेरे नाल लग के कई कम सौरन। मेरे नाल लग के कई कम सौरन, विगड़े में मुसीबत पाओ कानू। हो के दाने सियाने करतार सिंगा, हुका मार के अग पड़काओ कानू। इस तरह दिया गल्ला चंदू ने लिखिया ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वल। किस तरीके दे नाल ये चिट्ठी सतगुरां दे कोल पहुंचेगी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जवाब देणगे, जिस तरह कवि जी अगे इस कथा नूं बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। समय दी समाप्ति है, अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तों खिमा दा जाचका। हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक।
हे अपरंपर हर हरे है पी हो मनहार। हे संत कै सदा संग ने धाराया धार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोय। याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम। गुण द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम।